नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हम लोगों का सेकंड पार्ट है। जो पिछले पार्ट हमने देखा था इस जेल 61 में, भाण में चाहे जाति, चाहे वो जन्म से हो या फिर कर्म से, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट प्रोसीड करते हैं। इसमें हमें बहुत सारी बातों को जानना और समझना होगा, किस तरह से इंटरनेशनल स्तर पर ये जो हिंदू काउंसिल है, या यूँ कहें कि जो मनुवादी संगठन है, ये लोग भारत को बर्बाद करने पर जुटे हुए हैं। ये लोग हिंदू की खाल उड़कर विदेशों में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ये हम सभी हिंदू हैं। ये नहीं बताना चाहते कि हिंदू की खाल में सारे पोस्ट पर इनका कब्जा है, सभी संसाधनों रिसोर्सेस पर इनका कब्जा है। ये सारी बातें छुप जाएं, दब जाएं, इसीलिए ये लोग इस तरह का प्रोपगंडा विदेशों में कर रहे हैं। हिंदू बने रहें, यानी पूरी दुनिया समझे कि पूरे भारत की बात चल रही है, वहां के बहुसंख्यक की बात चल रही है, लेकिन उसकी आड़ में ये सिर्फ मनुवादी जो लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं, ये सारे संसाधनों को कब्जा करके और भारतीयों का, जो भारत के मूल निवासी हैं, जो भारत के वास्तविक निवासी हैं, उन लोगों के संसाधनों पर इनका कब्जा बरकरार रहे। तो इसके लिए आपने देखा पिछले सेशन में कि किस तरह से जो हिंदू काउंसिल यूके थी, यानी यूनाइटेड किंगडम में, जो 2008 में बिल पास होने की कोशिश की गई थी, एक बिल पारित होने की बात चल रही थी कि जिसमें यह लागू किया जाए कि जो जन्मजात भेदभाव है वो भी एक अपराध है। और विदेशों में जैसे ही आप रेसिज्म पे बात करोगे, जैसे ही आप किसी को ब्लैक कह दो, किसी को निग्रो कह दोगे, या इस तरह की शब्दावली जैसे आप इस्तेमाल करोगे, तुरंत आपको बिना पूछे पुलिस जेल में ले जाएगी। बहुत तगड़ा नियम है। तो वहाँ पे यही बात चल रही थी कि क्यों ना जो जातिगत भेदभाव है, जो जाति और कास्ट की बात है, उसको भी इसी श्रेणी में डाल दिया जाए। तो ये तो बेचारे सारे ब्राह्मण के तो रोए खड़े हो गए, इनकी पूरी चुटिया खड़ी हो गई कि भाई साहब, अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले तो ये जेल में ठूसे जाएंगे, क्योंकि इनके तो सारे के सारे धर्म ग्रंथ ही यही बात कहते हैं। ये तो जहाँ रहते हैं वहीं भेदभाव करके रहते हैं। तो इसलिए इस डॉक्टर राज पंडित शर्मा ने इस तरह का प्रोपोगंडा करके ये अपना रिपोर्ट पेश किया था, द कास्ट सिस्टम। तो उसमें जो बातें चल रही थी उससे आगे मैं आज प्रोसीड करता हूँ। उसने बहुत सारे अपने धार्मिक किताबों का हवाला देते हुए ये बात कही थी, जिसमें से ये डिस्क्लेमर है, हाँ, उसने चिकित्सा पर ये बात कही थी कि चिकित्सा जो है उसमें रोग, हमारे जो वेद इतने ज़्यादा वैज्ञानिक हैं कि वो ये बताते हैं कि रोग कैसे जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं। अच्छा, ये बातें ये क्यों कह रहा था? क्योंकि ये एक प्रसंग लाना चाह रहा था, ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि जो भेदभाव होता है भारत में वो बीमारियों के कारण होता है। और जैसे कि आज आप कोरोना में देख रहे हो, कोरोना में लोग हैंडशेक बंद कर दिए थे, गले मिलना बंद कर दिए थे, तो इस तरह की, उस समय स्वाइन फ्लू भी विदेशों में चल रहा था, तो इस तरह का ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में हमारे वेदों में लिखा हुआ है, इसीलिए लोग उस समय ये छुआछूत और इस तरह की चीज़ें आई थी, इसका कहीं भी जन्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो इन सारे पॉइंट्स को मैं अभी कवर करूँगा, लेना है या नहीं लेना है आप देखते जाएं। ये कितने झूठ बोलते हैं, कितने मक्कार और जाहिल टाइप के लोग हैं, ये इसने द कास्ट सिस्टम के पेज 24 पे लिखा हुआ है। अब देखिए, ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे ना, उसका फर्स्ट मंडल पढ़ेंगे और 50 उसका जो सूक्त है उसका 11th श्लोक, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप देखिए उसमें, हृदय रोग और पांडु रोग। पांडु रोग तो आप समझ रहे होंगे, जो पीलिया रोग होता है उसके बारे में उसका इलाज लिखा हुआ है। आप थोड़ा देखिए इनका जो वेद का विज्ञान, ये वेद में विज्ञान बता रहे हैं ना, पहले थोड़ा सा समझिए ये क्या कह रहा है। ये लिख रहा है, हे प्रचंड प्रताप के स्वामी, हे सूर्य, आज उदय होते हुए और ऊंचे आकाश में चढ़ते हुए मेरे हृदय तथा पांडु रोग का नाश करो। अब आप ये सोचिए कि ये कैसे नाश करेगा, मतलब सूर्य देवता है,
सूर्य देवता तो नहीं है, लेकिन ये इन लोगों ने सूर्य को देवता बना रखा है, तो उसके सामने ये प्रार्थना कर रहा है कि भाई उदय होते हुए और ऊंचे आकाश में चढ़ते हुए, बस जो हृदय रोग है जिसको आजकल हम लोग दिल की बीमारी कहते हैं, हार्ट रोग कहते हैं, हार्ट डिजीज कहते हैं, जिसके कारण लोग मर जाते हैं, हार्ट अटैक आता है लोग मर जाते हैं, तो इस तरह की बीमारियों को पांडु रोग यानी पीलिया जो रोग है, आपको पता होगा पीलिया रोग जो है अब इसका तो समाधान खोज लिया गया है, लेकिन पहले यह बहुत भयानक बीमारी होती थी। ऐसा कहा गया है कि महाभारत में जो पांचों पांडव थे उनके पिता को भी इसी से बताया गया कि उसे पांडु रोग हो गया था और पीलिया हो गया था। मतलब ये मत समझिए कि इसका मतलब ये हो गया कि महाभारत सही में था, मतलब वो कहानी है, कहानी में ये बातें आ रही हैं। तो अब यहाँ पे ये आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो बात आ रही है ना हृदय रोग और पांडु रोग की, इनके बारे में प्रार्थना करके बात हो रही है इलाज की, और ये बता रहा है कि जीवाणुओं को और रोग निदान की बात लिखी हुई है वेद में। कितना धूर्त व्यक्ति है ये डॉक्टर राज पंडित शर्मा। आगे देखिए मैं और भी बताता हूँ, अगर अथर्ववेद आप पढ़ेंगे ना तो उसमें तो जादू टोना और ये जितने भी टोने टोटके भूत प्रेत इस तरह की बातें लिखी हुई हैं इनके वेदों में, इससे इलाज की बातें लिखी हुई हैं, और ये धूर्त बता रहा है कि ये सब हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि भाई वैज्ञानिक बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, इसके बाद से थोड़ा सा और उदाहरण देता हूँ, फिर उसके एक्चुअल मूल पॉइंट पे आऊंगा मैं। अब वेद तो आपने देख लिया, तो मनुस्मृति वगैरह जो है उसमें भी देख लीजिए, उसका 12th चैप्टर अगर आप उठाएंगे तो उसका 80 श्लोक में क्या लिखता है कि पिछले जन्म के पापों के कारण व्याधियां उत्पन्न होती हैं। मतलब ये कह रहा है कि आजकल आप अगर बीमार हो रहे हो ना तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। किसकी गलती है? पिछले जन्म की गलती है। ये राज पंडित शर्मा कभी मनुस्मृति और वेद तो पढ़ा नहीं था, ऐसे ही हवा में तीर मार रहा था। अबे ठपोर संघ, तुझे बीमारी होती है तो पिछले जन्म में कर्म किया होगा ना, तब तो बीमारी हुई, तो फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? ये जितने भी मनुवादी हैं, जितने भी मनुस्मृति को प्रमोट करते हैं, हॉस्पिटल में दिख जाए चुटिया पकड़ के इनको पहुंचा दीजिए इनके मंदिर टेम्पल में, बैठ के वहीं पे अपने पिछले जन्म के परलोक सुधारे, पिछले जन्म के कारण ये बीमार पड़ते हैं, इनको कोई जीवाणु और कोई आज के जो विषाणु है इसके कारण ये नहीं पड़ते हैं, ये इसका मनुस्मृति लिख रहा है। और आयुर्वेद का तो पूछना ही नहीं है, इस आयुर्वेद को ये बताते हैं ना कि हमारे यहाँ बहुत वैज्ञानिक खोज थी, ये थी वो थी, हम लोग छुआछूत कैसे कर सकते हैं, ये राज पंडित शर्मा लिखता है। अब उसके इस आयुर्वेद की जो है ये देख लीजिए, भाव प्रकाश जो है एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है आयुर्वेद का, तो उसके उसमें क्या लिखा हुआ है, एक मैंने वीडियो साइंस चन्नी पे बनाई है, वीडियो 55, उसे भी उसमें आप देखेंगे, और 56 उसमें मैंने दिखाया है भाव प्रकाश के बारे में कितनी फालतू वाली बातें लिखी हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये भाव प्रकाश का एक श्लोक है, इसका मैं हिंदी अनुवाद बताता हूँ। अपने ससुर दक्ष प्रजापति के द्वारा अपमानित होने पर शिव यानी रुद्र ने क्रोध से जो हुंकार भरी वह बुखार है। देखा आपने, बुखार क्यों होता है? क्योंकि जो शिव है, जो वो जो रुद्र है या जो शिव है, ये हुंकार भरता है, गुस्सा हो जाता है तो बुखार हो जाता है। तो मतलब जितने भी ब्राह्मणों को मनुवादियों को बुखार होता है वो किसी जीव जीवाणु के कारण नहीं होता है, वो शिव जब वो लिया था ना, गुस्सा हो गया था, या जब गुस्सा होता है तभी बुखार हो जाता है, उसी को बुखार कहते हैं। ये डेफिनेशन दिया है, ये बताया है बुखार के बारे में कौन है, तो ये आयुर्वेद की इनकी किताब है। तो ये आयुर्वेद का हवाला दे रहा है ये डॉक्टर राज पंडित शर्मा, मतलब जन्मजात भेदभाव नहीं है इसके जस्टिफिकेशन, और उस आयुर्वेद की किताब में ये बातें लिखी हुई हैं। क्या ये सही है? क्या ये आप इसको सही मानते हैं? अच्छा, प्रदीप जी लिख रहे हैं, साइंस चरनी जी आप चित्र के साथ डिबेट कभी मत करिएगा, धन्यवाद साइंस चरनी जी। जी प्रदीप गुप्ता जी, धन्यवाद आपका, आप लोगों की सलाहें मुझे हमेशा याद रहती हैं, मैं इसको अमल करने की कोशिश करूंगा। और आगे जो है इस पे आप देखते जाएं, अभी इसमें थोड़ा सा और समझिए ये क्या कहना चाह रहा है भाव प्रकाश ही। इसमें ये कहता है कि अगर किसी कोई बुखार से ग्रस्त हो,
ठीक है ना। बुखार से ग्रस्त आदमी का यदि फूलों की माला तथा चंदन से शीतल शरीर वाली, मतलब बुखार तब हो गया कि भैया शिव जो है वो तो गुस्सा हो गया, तो बुखार हो गया। अब अपने ससुर पे वो गुस्साया था तो बुखार हुआ। अब उस बुखार को उतारने का इलाज, मतलब किसी को भी अगर मनुवादी को बुखार हो जाए तो वो देखिए कैसे उतारता है, उसका इलाज देखिए क्या लिखा है इनके आयुर्वेद की किताब में। लिखता है, बुखार से ग्रस्त आदमी का यदि फूलों की माला तथा चंदन से शीतल शरीर वाली शीतल शरीर वाली सुगंधित व सुंदर वस्त्रों वाली और सुंदर स्तनों वाली स्त्रियां आलिंगन करे तो बुखार तत्काल दूर हो जाता है। सुना आपने? नहीं सुना? एक बार फिर से ध्यान से आप देख लीजिए इसको, पढ़ लीजिए ये क्या कह रहा है। अब आप तो समझ गए होंगे कि ये क्यों मनुवादी जो है आसाराम और राम रहीम और इस तरह के जितने भी ये हरामखोर व्यभिचारी जो संत संत, इनको तो कहना ही नहीं चाहिए, खैर ये ढपोर संघ हैं, इन सब के ये क्यों गुरु हुआ करते हैं और कि कैसे ये गुफाओं में पैदा हुआ करते हैं। ये यही है, इनको बुखार होता है तो ये लेके आते हैं इनको बुखार उतारने के लिए चंदन, फूलों की माला और चंदन से शीतल शरीर वाली हो, और उसको आलिंगन करते ही इनका तत्काल बुखार दूर हो जाता है। अब ये सवाल है कि ये जो पंडित राज शर्मा जो बता रहा है कि इसके वेद में लिखा हुआ है कि भाई जीवाणु और जीव होते हैं उससे बीमारी कैसे होती है, कहाँ ये सब लिखा हुआ है, क्यों झूठ बोल रहा है ये? दरअसल ये मनुवादी झूठ के पकौड़े हैं, इनका काम ही है झूठ बोलो और फिर से झूठ बोलो, एक बार फिर से झूठ बोल दो, इनका यही एकमात्र स्लोगन है। कहीं भी पूरे आयुर्वेद तक में नहीं लिखा वो वेद। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं ये कंफर्म कर सकूँ कि आवाज़ मेरी आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ और कोई बंधु साथी आना चाहे तो आ सकते हैं, उससे कंफर्मेशन होती रहेगी कि साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि इनके आयुर्वेद की किताब में कितनी जाहिलियत भरी बातें लिखी हुई हैं, और उस जाहिलियत भरी बातों को ये ऐसे दिखा रहा है कि जैसे विज्ञान हो, और क्यों दिखा रहा है उसका पर्पस अब आपको समझ में आएगा। ये देखिए मेन चीज ये दिखाना चाह रहा था कि जो छुआछूत है ना वो बीमारियों से आई हुई है, ये दिखाना चाह रहा था, इसलिए उसने इस तरह की बातें की थी। अब ये देखिए क्या लिखता है डॉक्टर शर्मा, लिख रहा है कि जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों से बचने के लिए ब्राह्मण जाति के लोग न सिर्फ प्रदूषण पैदा करने वाले कामों में लगे लोगों से शारीरिक संपर्क से बचते थे, बल्कि सारे समाज के लोगों से बचते थे। जो लोग असामाजिक कार्यों, अनटचेबल टास्क में लगे हुए थे और मैला, शव तथा मुर्दा पशुओं को उठाते थे, लोग उनके संपर्क से बचते थे। यही कारण है कि समाज के कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ न खाना खाते थे और न उन्हें उसी कुएं से पानी लेने देते थे जिससे वे खुद लेते थे। देखा आपने कितना झूठ बोल दिया इसने, पूरा A to Z झूठ बोला इसने। इसने इतना भयंकर झूठ बोला, आप ये बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल था कि ब्राह्मण जाति के लोग प्रदूषण पैदा करने वाले कामों के शारीरिक संपर्क से बचते थे? अगर ऐसा रहता तो फिर तो जितने भी लोग हैं, जो लोग जो शूद्र वर्ग में हैं, जैसे डॉक्टर अंबेडकर थे, अब ब्रिटिश काल की मैं बता रहा हूँ, वो तो पढ़ लिख कर आए थे, वो तो ऐसा काम करते नहीं थे, फिर उनको रूम क्यों नहीं दिया, फिर उनसे भेदभाव क्यों हुआ, स्कूल में जाते थे तो पानी पीने से क्यों मना किया। ये कितना झूठ बोल रहा है ये, इतने गिरे हुए लेवल के ये लोग हैं, इतना झूठा बोलते हैं, ये झूठ बातें इसने किताब में लिखी। अब देखिए ये क्या और क्या लिखता है द कास्ट सिस्टम के पेज 24-25 में, आगे सुनिए। पश्चिमी देशों के कई लोग जल्दबाजी में इसकी निंदा करते हैं, जबकि उनके अपने देशों में अनेक लोग गृह विहीन हैं और वे भारत के अछूतों अवर्णों के समान है।
गंदा काम करने वाले ब्रिटिश कामगार उच्च वर्ग के लोगों से बहुत कम मिलते हैं। सफाई संबंधी कानून खाना बनाने और उसे तुम्हें भी इस तरह के काम होते हैं। यहाँ पे मैं अर्जुन सिंह, आप आ रही है? जी सर, नमस्ते। हाँ, जय बुद्ध। क्या सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है, आपकी तो आवाज आ रही है। सर मैंने बहुत पहले ही आपसे एक बार निवेदन किया था। अर्जुन सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आप आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है सर। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। तो मैं इसको प्रोसीड करता हूँ आगे। ओके, ओके सर, कंटिन्यू। तो फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि इसने कितना झूठ बोल दिया। अरे विदेशों में या जो डॉक्टर होते हैं, उन्होंने जो हाथ में दस्ताने पहनते हैं, हाथ में जो ग्लव्स पहनते हैं, उसका कारण होता है कि जो जिस चीज का वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं या छूने जा रहे हैं, उसके जीवाणु या कीटाणु से बचाव होता है दोनों तरफ। मतलब कि जो पेशेंट है या जो सामने वाला है, उसको भी दिक्कत ना हो कि मेरा हाथ उसमें टच हुआ, और जो जीवाणु विषाणु का भी ट्रांसफर ना हो इधर से उधर, वो कारण होता है। इसलिए नहीं होता कि वो बाई बर्थ जन्म ले लिया है उस स्कूल में तो हम उससे अनटचेबल रहेंगे। ये कितना झूठी बात लिखता है देखिए। और ये डॉक्टर है, पता नहीं किस गुफा में इसने पढ़ाई की है या किस गुफा से इसने डॉक्टर की डिग्री खरीदी हुई है, ये आप लोगों को समझना होगा। ये कितना झूठ बोलते हैं। और इस तरह की बातें आप देखेंगे कि आज के इनके जितने भी लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, इतनी ढपोर संख वाली बातें करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यही होता है। अब मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि ये कैसे झूठ बोल रहा है, उसको समझाने के लिए। आप देखिए कि जब चौदार तालाब था, जिसमें कि बाबा साहब मोर्चा लगाए हुए थे कि भैया यहाँ से जो पानी पीने का अधिकार सारे वर्ग को मिलना चाहिए, SC ST OBC जो है इन सबको मिलना चाहिए, तो उन्होंने जो विदेश से तो बहुत सारी डिग्री लेकर आए थे, वो तो बहुत पढ़े लिखे थे। अगर इस तरह की बात होती तो भाई साहब उनको तो फिर पानी पीने दिया जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ था वहां? और किन लोगों ने विरोध किया था? ब्राह्मणों ने विरोध किया था, और सारे ब्राह्मण तो पढ़े लिखे नहीं थे। वहां पे बहुत से ऐसे ब्राह्मण भी थे जो अनपढ़ थे, गंवार थे, बाबा साहब के सामने कुछ नहीं थे, फिर भी वो लोगों ने बाबा साहब पर अटैक किया था। और उस तालाब के पानी पीने के लिए अटैक किया गया उनके लोगों पर, जिसमें गधे खच्चर और ये कुत्ते बिल्लिया सब पानी पीते थे। इसमें लिखा हुआ है देखिए, जिसमें कुत्ते बिल्लिया गधे और दूसरे आवारा व बीमार जानवर पानी पी सकते थे, उसमें जो है जो शूद्र वर्ग जिसको ये कहते थे, अंत्यज वर्ग जिसको कहते थे, उसको पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो ये ढपोर संख जो है डॉक्टर राज पंडित शर्मा, इसको ये बात समझ में नहीं आ रही है? सब इनको पता है, दरअसल ये लोग झूठ बोलते हैं। कान खोल के आप लोग समझ जाइए इस बात को। ये हमेशा ही हरामखोर टाइप के लोग हैं। ये कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर ले, ये आता है ना बीच बीच में डिबेट करने के लिए, बीच बीच में बोलने के लिए कि नहीं जी हमारे यहाँ तो जाति व्यवस्था नहीं है, है जी हमारे यहाँ तो लोग पढ़ लिख लेंगे, आप आरक्षण हटा दो, पढ़ लिख लेंगे तो भेदभाव, आप लोगों ने जाति व्यवस्था वो कर रखी है, कास्ट बनाते हो, कास्ट सर्टिफिकेट। अरे तुम्हारा जो सबसे पढ़ा लिखा ये जो व्यक्ति है, जो हिंदू काउंसिल UK में अपनी रिपोर्ट दे रहा है, ये देखो इसकी हरामखोरी देख लो, कितना झूठा, कितना मकार ढपोर संख लंपट व्यक्ति है ये, जो ये कह रहा इतनी झूठ बोल रहा है। अब ये आगे देखिए, इसमें जो ब्राह्मण या उच्च वर्गीय लोग उस पानी को पवित्र मानकर पीते थे, वे कितने सफाई पसंद या बीमारी से बचने के लिए प्रयत्नशील रहे होंगे, अंदाजा लगाना मुश्किल है। बहरहाल ये तो एक एग्जाम्पल था। ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, इसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बनारस में डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का बाबू जगजीवन राम ने अनावरण किया था, तब उस मूर्ति को गंगा जल से शुद्ध किया गया। सुना आपने, किसने किया था? बाबू जगजीवन राम ने डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति को, तो अब गंगा जल से उसको शुद्ध किया गया, क्योंकि बाबू जी के हाथ या कपड़े आदि गंदे थे। यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जो जगजीवन राम जी थे, जब उनको अनावरण के लिए बुलाया गया, ऑफकोर्स वो बड़े व्यक्ति थे उस समय, फिर भी तो उनके हाथ क्या गंदे थे? हाथ में ग्लव्स पहन के सब्जी बेच रहे थे ब्रिटिश की तरह। तो ये इतने झूठे लोग हैं, इतने मक्कार लोग हैं, इतने सारे एग्जाम्पल सेट हैं, सारी बातें देखने में आती है कि किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, किस तरह से ये लोग भेदभाव बनाए हुए हैं, भारत में जातिवाद बनाए हुए हैं, फिर भी ये डरपोक जो है डॉक्टर की डिग्री लेकर झूठ बोल रहा है।
अच्छा कुछ और आपको पॉइंट में दिखाता हूँ। अब देखिए इसमें जो है जाति जन्मना व कर्मणा में डॉक्टर अज्ञात जो है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात इतनी बेहतरीन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। कुछ साथी पूछ रहे थे कि ये किताब कहाँ मिलेगी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये किताब आपको मिल जाएगी, सम्यक पब्लिकेशन से छपी है। और जाति जन्म भाड़ में जाए जाति जन्मना इसका पूरा नाम है। और सम्यक पब्लिकेशन आप लोग ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करेंगे ना तो उनकी वेबसाइट मिल जाएगी, फोन नंबर कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा। और इवन हो सकता है कि मैं कुछ डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूं इस स्ट्रीम के बाद, तो वहां से भी आप कॉन्टेक्ट करके मंगा सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह या मैसेज करके। ओके तो इसमें ये लिख रहे हैं कि डॉक्टर शर्मा इस तरह की घटिया दलीलें देकर डॉक्टर शर्मा भारत में छुआछूत को न्याय संगत बता रहा है। इंग्लैंड में इसी तरह की दलीलें देकर नस्लवादी लोग भारतीयों से नफरत किया करते थे। अब भी कई देशों में कई बार कई गलत तत्व ऐसा करते देखे जा सकते हैं। उसमें डॉक्टर शर्मा जैसों का कम परेशानी नहीं होती, तब ये लोग मानवीय समानता की दुहाई देते हैं। परंतु जब खुद अपने ही नस्लवादी से भी घटिया व्यवहार करने की वकालत करते हैं, उसे न्यायोचित ठहराने का शर्मनाक कुकृत्य कर रहे हैं। तो ये देखिए इसमें ये पॉइंट आप लोगों को समझना होगा कि किस तरह से यही घटना जब गांधी के साथ घटी थी कि गांधी को उसने ट्रेन या बोगी से गोरे ने बाहर निकाल दिया था, या फिर जो गोरे, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसने जो जो पॉइंट कहे हैं ना डॉक्टर शर्मा ने, जो पॉइंट बताए हैं कि भाई विदेश के लोग भी, सब्जी बेचने वाला भी हाथ में ग्लव्स पहनता है, ये सारे पॉइंट वैलिड नहीं है, कतई भी वैलिड नहीं है। अरे कोई भी व्यक्ति हाथ में ग्लव्स पहनता है, या जो वहां का जो नस्लवाद की जो बात आ रही है वो दूसरे तरह की नस्लवाद है। यहाँ पे जो आप नस्लवाद की जो बात कर रहे हो वो जन्मजात है। तो ये यहाँ पे साफ साफ एक्सपोज हो जा रहा है, इसने जो वैलिड पॉइंट दिए हैं और हमने जो वैलिड पॉइंट अभी देखे हैं उससे ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जा रहा है। आगे क्या है कि दरअसल इस डॉक्टर शर्मा ने किया क्या कि ये पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से तो ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं ब्रह्मनिकल, ये जन्मजात ही भेदभाव करते हैं। तो इसीलिए जान बूझकर इसने धूर्तता की, इसको धूर्तता बोलना, गलत उदाहरण देना। जैसे डिबेट में भी आप देखते हैं कि एक बंदा जो है बोल रहा है कि हर चीज को बनाने वाला जब इंसान है तो उसी तरह इंसान को बनाने वाला क्रिएटर है, तो भाई क्रिएटर को बनाने वाला कौन है, उस पर बेचारे का मुंह ही नहीं खुल पा रहा है। तो इस तरह के गलत जो है आप सबूत देना, गलत तरह की बातें करना, यही काम ये कर रहा है। पूरी तरह से ये विकृत मानसिकता है, इसकी एक भी दलील सही नहीं है। अच्छा यहाँ पे इसको जो है ओपन चैलेंज भी दिया था डॉक्टर अज्ञात ने डॉक्टर शर्मा को, कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम बात कह रहे हो कि छुआछूत के कारण ही ब्राह्मण जो है जो यहाँ के वंचित शोषित वर्ग है उनसे उनको छुआछूत करने लगे थे, तो एक भी सबूत अगर तुम्हारे किसी भी धर्म ग्रंथ में एक भी वाक्य एक भी श्लोक दिया हुआ हो तो आकर तुम यहाँ हमें सबूत दे दो। लेकिन वो बंदा नहीं आया। मैं भी खुला चैलेंज दे रहा हूँ, ये डॉक्टर शर्मा को ही नहीं समस्त मनुवादियों को। जैसे एक त्रिभुवन करके था जिसको मैंने स्ट्रीम की थी, उसको ओपन चैलेंज भी दिया था, वो भी यही बात कह रहा था कि भाई जिस तरह कोरोना आई है तो छुआछूत फैला है, इसी तरह से एक समय बीमारी आई थी तो छुआछूत फैला, तो इसीलिए ये भेदभाव हुआ। उसको भी मैंने ओपन चैलेंज दिया था, वो भी अपने को सर्जन बोलता है, हम डॉक्टर हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि आकर डिबेट कर ले, कहाँ से करता। फिर मिमियाते फिर रहा है, आज भी मिमियाते फिर रहा है अपने फेसबुक वॉल पे कि नहीं गलत तरीका है, ये तरीका है, वो तरीका है। अरे ढपोर संख्यो, जब तुम इतनी गाल बजाते हो, किताब लिखते हो, चैलेंज भी देते हो, तो जब मैं चैलेंज दे रहा हूँ तो एक्सेप्ट करो, आ जाओ कर लो डिबेट उसी पॉइंट पे, तब तो पता चलेगा ना पब्लिक को। ऐसे तो अकेले बैठ के घर में म्याऊं म्याऊं और हुआ हुआ करते रह जाओगे। अब क्या है कि इनकी जो वेद व्यास की जो स्मृति है, जो कहते हैं ना कि इनके व्यास स्मृति भी कहते हैं,
उसमें क्या लिखा हुआ है उसको एक बार आप समझिए। वहां पे कहीं भी नहीं लिखा है कि बीमारी की बात है। उसमें जो दरअसल जो बात लिखी है कि भेदभाव क्यों शुरू हुआ, उसके कुछ और कारण बताए गए हैं। उसके दो मुख्य कारण बताए गए हैं। एक तो कारण था कि भाई इन लोगों ने ये कहा कि जो लोग गौ मांस, और जैसा कि जो मनुवादी स्क्रिप्चर्स हैं उनके आधार पर एक बात तो क्लियर है कि जितने भी ब्राह्मण्स हैं, जो आज के ब्राह्मण्स हैं, जो अपने को ब्राह्मण्स कहते हैं, ये पहले मांस खाते थे, गौ मांस खाते थे। फिर इन्होंने बीच में क्या हुआ कि छोड़ दिया इन्होंने, मतलब इनके स्क्रिप्चर से बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, इनके स्क्रिप्चर से बात कर रहे हैं कि पहले ये लोग खूब गौ मांस खाते थे, फिर इन्होंने क्या किया कि सारा चीज छोड़ दिया, और अब जो गौ मांस खाते थे उन्हीं का विरोध करने लगे, उनको अछूत बनाने लगे। तो वेद व्यास की जो स्मृति है ये यही बात कहती है। ये क्या कह रही है कि चर्मकार, मतलब कि चमार, भट, भिल, रजक, पुष्कर, नट, विराट, मेध, चंडाल, दास, स्वपच तथा कुलिक नाम की जातियां एवं और भी वे दूसरी जातियां जो गवासना यानी गाय का मांस खाती है, वे सब अंत्यज यानी कि अछूत हैं। यदि कोई इनसे बात भी करे तो बाद में स्नान करे तब शुद्ध होगा। उन्हें देख भी ले तो आंखों को सूर्य की ओर गड़ाए तब शुद्धि होगी। सुना आपने, ये सब बातें कह रहा है ये व्यास स्मृति। तो यहाँ पे ये जो मुख्य कारण बता रहा है, ये बोल रहा है कि जो गाय का मांस खाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई व्यास की बात आ रही है, वेद व्यास की बात आ रही है, तो ये तो महाभारत की बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि व्यास जो है वो काल्पनिक है, लेकिन जो जैन साहित्य है, जब जैनियों का आप जो इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो पहली बार व्यास की जो बातें किया है वो जैनियों ने किया है। और जैन जो हैं वो आप जानते हैं कि वो पूरी तरह से, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कट्टर अहिंसक होते हैं। तो ये जो बातें आई है ना कि भाई जो ये इन्होंने तो स्पेशली जब ये बाद में संस्कृत में लिखा तो गाय पर केंद्रित कर लिया, लेकिन जैन जो होते हैं वो किसी भी जीव को नहीं खाते पीते हैं, उसको वो करते हैं, अवॉइड करते हैं उनकी हत्या पर। तो ये जो प्रथा शुरू में आई थी ना भारत में, तकरीबन 6ठी 7वीं सदी तक शुरू होनी शुरू हो गई थी कि जो लोग मांस वगैरह खाते थे तो जैनी उनसे बच के रहते थे, थोड़ा सा दूर रहते थे, या फिर कहते थे कि भाई तुम ना साइड में रहा करो। तो ये काम जैनियों ने शुरू किया था, और ये जो व्यास नाम जो आया है वो पहली बार जैनियों के ही ग्रंथ में नाम आया है। फिर बाद में ब्राह्मणों ने जब अपना ये महाभारत महाभारत लिखा तो जैनियों से कॉपी किया, बौद्धों से कॉपी किया, और उसको अपनी तरह से त्रोड़ मरोड़ कर लिख लिया है। तो ये जो, अच्छा ये बात जो है, हैनसोंग भी जब 7th सेंचुरी में आए थे भारत में, तो जब वो गुजर रहे थे मथुरा साइड से, या ये जो इलाका था जिसको ये मनुस्मृति में कहते हैं कि ये हमारा आर्यावत का एरिया है, तो ये जो एरिया क्षेत्र बता रखे हैं उस एरिया में भी देखा गया कि लोग वहां पे कुछ इस तरह की चीजें आ गई थी। तो वहां पे हुआ क्या था कि जब हैनसोंग गुजर रहे थे रास्ते से तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है सड़क के किनारे से जा रहा है। तो उन्होंने अपने नोट्स में लिखा है इस बात को, पूछा उन्होंने उसे कि भाई तुम क्यों ऐसे भाग रहे हो, भाग गया वहां से। फिर बगल से एक जो दूसरे व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि भाई ये जो है सड़क के साइड से क्यों भाग के जा रहे हैं, ऐसे क्यों जा रहे हैं। तो उसने बताया कि ये जो व्यक्ति है ना, इसको लोग जो है ये चर्म का व्यापार करता है, तो यहाँ के लोग जो है ना चमड़े के व्यापार से बहुत नफरत करते हैं और जीव हत्या नहीं देखना चाहते हैं, तो इसीलिए ये अपने को शहर से अलग रखता है या उस तरह का। लेकिन पूरे नोट्स में उन्होंने सिर्फ एक ही जगह का ये बात वर्णन किया है। हालांकि हैनसोंग पूरे भारत में घूमे लेकिन हर जगह ये प्रैक्टिस नहीं दिखाई दी, ये सिर्फ उसी जगह पे दिखाई दी जहां पे लोग लहसुन प्याज नहीं खाते थे, जहां पे उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये ब्राह्मणिकल इलाका है। तो ओवरऑल जो निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है कि जैन मार्ग में जो लोग हैं उन्होंने दूरियां बनानी शुरू कर दी थी, एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा ही वो आ गए थे, मतलब कट्टर हो गए थे उस कारण से। ब्राह्मणों ने इस चीज को
एज इट इज स्वीकार कर लिया और उसको पूरी तरह से ईश्वर प्रदत्त बना दिया है। तो इसमें और आगे देखते हैं, ये तो एक कारण था। अब देखिए, ब्राह्मणों का जब राज आया 9th-10th century के बाद, तो इन्होंने क्या किया, ये आपको याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलेगा, मित्राक्षरा टीका में मिलेगा, स्मृति चंद्रिका में मिलेगा, अपरार्क में मिलेगा और वृद्ध हरित में भी मिलेगा। इसमें ये लिखता है कि बौद्धो पाशुपतो लुखायतो और धर्म भ्रष्ट ब्राह्मणों से छू जाने पर पहने हुए कपड़ों के साथ ही स्नान करें, तब शुद्धि होगी। तो ये आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं, ये कह रहा है कि बौद्धो पाशुपतो लुखायतो। आपने एक चीज सुनी होगी कि ये कहते हैं ना कि पशुपति जो हैं या पशुपति जो हैं ये हमारे शिवशंकर भोले हैं, ये आपने सुना होगा। और इस देखिए, इन इनके तमाम इन ब्राह्मणों के किताबों में ये क्या कह रहे हैं, लोकायत को, पशुपत को, पौधों को और धर्म भ्रष्ट ब्राह्मणों को। अब ये धर्म भ्रष्ट ब्राह्मण कौन होगा, आप जरा सोचिए, ब्राह्मण है तो धर्म भ्रष्ट ब्राह्मण कौन होगा। दरअसल उस समय लोग अपने आप को बाहर कर रहे थे, अपना एक नया संप्रदाय बना रहे थे और इसीलिए ये गाली दे रहे हैं बौद्धों को भी, पशुपतों को भी, लोकायतों को भी, और कह रहे हैं कि धर्म भ्रष्ट ब्राह्मणों को भी जो इनकी बात नहीं मानता था, इन्होंने अपने को घोषित कर लिया था हम ब्राह्मण हैं, तो बाकी के जो ब्राह्मण हैं वो क्या हो गए, धर्म भ्रष्ट ब्राह्मण हो गए। यहाँ ब्राह्मण कहने का मतलब जाति से नहीं है, ब्राह्मण कहने का मतलब उस समय विद्वान से था। तो ये इतना इनको बुरा बना दिए, इतना अछूत प्रथा ला दिए कि बौद्धों तक को कोई छू ले, सोच लीजिए। लोकायतों को, लोकायत आपको पता ही होगा तमिलनाडु में ये लोग हैं, इनकी काफी बड़ी संख्या भी है, और ये लोग जो है ये ब्राह्मणिकल नहीं है, ये लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, ये लोग एक तरह नास्तिक की तरह हुए होते हैं, तो इनका भी अस्तित्व तो थोड़ा पुराना माना जाता है। तो ये बातें लिखकर आ रही हैं कि बौद्धों से भी ये दुश्मनी पाल रहे हैं, उनको भी अछूत बना रहे हैं। अब मैं बार बार ये बातें आप लोगों को बताते रहता हूँ कि जो बौद्ध मार्ग हैं उनकी बुद्ध की प्रतिमाओं को कब्जा कर जब इन्होंने शैव वैष्णव और शाक्त जो बनाया था तो उसका तो सिंगार करके कब्जा कर लिया, लेकिन जो उनके अनुयायी थे उनको इन्होंने अछूत बना दिया था। वो बात यहाँ पे आप प्रमाणिक तौर पर देख सकते हैं, ये फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अपराक में, स्मृति चंद्रिका में, याज्ञवल्क्य स्मृति, मित्राक्षरा टीका, वृद्धहरित, सब में ये बात लिखी हुई है कि बौद्धों तक को भी इन्होंने अछूत बना दिया था, पाशुपतो लोकायतो सबको बना दिया था। अब इस पे क्या है ना कि यहाँ पे आपको दो पॉइंट बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी कि एक तो गौमांस भक्षण वालों को इन्होंने अछूत बनाया और दूसरा धार्मिक विद्वेष, यानी कि जो भी अलग धर्म के थे, अलग धर्म कहने का मतलब कि जो बौद्ध मार्गी थे तो उनको भी इन्होंने कर दिया। जैसे ही ये अपने उफान पर आए, जिन्होंने 9th-10th century से इनका वर्चस्व बढ़ा, तो इन्होंने बौद्धों को भी और बाकी के जो जैन हैं, जैन तो अभी भी खैर हैं, लेकिन बौद्धों को और इनको सबको जो है इन्होंने अछूत बना दिया था। अब देखिए यहाँ पे ये तो हकीकत है, तो ये जो डॉक्टर राज पंडित शर्मा है, इस झूठा जो है ये कितना झूठ बोल रहा है। अरे भाई, जब आप ये बताओ कि जब ये छुआछूत का कारण ये है धार्मिक विद्वेष और गौमांस भक्षण जो, तो ये देखिए ये कितना झूठ बोल रहा है, ये खुद विदेश में रहता है, ये जो है ये खुद विदेश में रहता है और विदेश में रहने के बाद से भी ये बात कह रहा है कि जो गौमांस, अच्छा विदेश में मान लीजिए सभी लोग तो गौमांस खाते हैं, वहां तो हर तरह के जीव जंतु खाते हैं, तो फिर इसके धार्मिक ग्रंथ के अनुसार उन्हें तो बहिष्कृत कर देना चाहिए था, फिर तो उनको भी अछूत बना देना चाहिए था। जितने भी वहां के लोग हैं, जितने भी विदेश में जो भी लोग हैं, उनको तो इसे घोषित कर देना चाहिए कि भाई ये लोग अछूत लोग हैं, इसके धर्म ग्रंथ बता रहे हैं कि जो गौमांस खाता है वो है, या फिर धार्मिक विद्वेष, जो इनके अलावा जो दूसरी जातियां हैं वो लोग भी अछूत हैं, ये पॉइंट आना चाहिए था। तो यहाँ पे इसका मुंह नहीं खुल रहा है। अच्छा, 1997 से 2007 के दौरान में डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात भी विदेश में थे, उन्होंने वहां पे देखा, इंग्लैंड में ही थे, उन्होंने वहां पे देखा कि वहां पे ईसाई मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी गौमांस खाते हैं वहां पे, ये बात उन्होंने मेंशन की है। अब बताइए तो क्या वो सब अछूत हो गए, यही सवाल आएगा ना, क्या वो सब अछूत हो गए। अच्छा, अमित तिवारी जी यहाँ पे लिख रहे हैं, नमस्ते सर, नेशनल वर्ल्ड और साइंस जर्नी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोनों चैनल्स के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित तिवारी जी।
और मैं फिर से लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, जो साथी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और यहाँ पे डीके बौद्ध भी सुपर स्टिकर, थैंक यू डीके बौद्ध जी। तो ये आप यहाँ पे साफ साफ ये कारण देख रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर राज पंडित शर्मा जो है झूठ बोल रहा है। अच्छा, इसमें जो है ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आगे डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन की हुई है। जैसे ये जो बता रहा है छुआछूत की जो बात गढ़ रहा है, वो खुद ही उसको अछूत घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इनके धर्म ग्रंथों में तो लिखा हुआ है, मनुस्मृति में ही लिखा हुआ है, देखिए लिखा है, समुद्र यायी द्विजा धमान, अर्थात समुद्र को लांघने वाला ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अधम होता है। ये बात तो खुद इनका मनुस्मृति लिख रहा है, तो क्यों ना इसको खुद ही, जो ये राज पंडित शर्मा है, ये दूसरों को ज्ञान बांट रहा है छुआछूत का कैसे हुआ, ये खुद ही जाति बहिष्कृत है, इसको तो जाति से खुद ही बाहर कर देना चाहिए, और ये ज्ञान बांटने चला है, क्योंकि ये समुद्र पार करके गया है ना इंग्लैंड, ऐसे हवा में तो गया नहीं है। तो इनकी ये सच्चाई है कि ये लोग अपने खुद ही वही काम करें तो भी ये स्वच्छ हैं, और आप वो काम नहीं भी करें तो भी आप बुरे हैं, आप भारत में भी रहकर इनके लिए बुरे हैं, नीचे अछूत हैं, और ये अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार भी अछूत होकर भी ये स्वच्छ है और ज्ञान बांट रहा है कि कौन लोग हैं अछूत हैं, कौन लोग नीचे हैं। ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं। चलिए मैं कुछ और पॉइंट्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे डॉक्टर शर्मा जातिवाद का औचित्य सिद्ध करने के अपने छिपे एजेंडे के पक्ष में यह दलील भी दागता है कि जातियाँ तो दूसरे समाजों में भी है। देखिए इनका झूठ का प्रोपगंडा सोशल मीडिया में जो ये लोग काम करते हैं, पहले तो ये कहेंगे कि हमारे यहाँ नहीं है, जब इनसे डिबेट होगी और जब ये पूरी तरह से इनका पर्दाफाश हो जाएगा, तब ये एक दूसरा सिगुफा छोड़ेंगे कि नहीं, दूसरे धर्मों में भी क्या है, जातिवाद है, ये कहेंगे, यही भी कह रहा है। ये क्या बताता है कि उसका इशारा ईसाइयों और मुसलमानों की ओर है, आप देख लीजिए ये क्या कह रहा है।